Can I set this off? Books ready, Amy? Page number 284, sir. Book ready, yeah. Page number 284. Page number 284. That is book clear. Question number 3, don't remember. You got online source for our. चलो सर पहले एक क्वेश्चन एक कर रहे हैं जिसमें जरा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कैसे करना है जो कल बात हो रही थी और फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करके करना क्या ये जरा एक दफा क्लियर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गौर लिमिटेड ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर हमें साथ ऑफ रहना रेडी प्लीज Gauhar Limited, a listed company, is engaged in the chemicals, soda ash, paints, and pharma businesses. Results of each business segment for the year ended 31st March 2015. As follows business segments total sale gross profit operating expenses बस करें मासा बस करें बुक निकालते बातें कैसे हो सकते हैं assets liabilities क्राइटेरिया कौन कौन सा 10% का सेल्स प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर एसेट्स और उसके बाद पे देखना होता है कि एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% कवर हो गया इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स इंटर सेगमेंट सेल्स बाय chemicals to polyester and soda ash किसने किस किस को chemicals नहीं chemicals की किस किस को सेल polyester और soda ash की भी सेल उनकी परचेज हो तो किसकी सेल में किस फिगर में आ रही होगी ये फिगर किस फिगर में सर 1790 में पॉलिएस्टर और सोडा ऐश की तरफ ना चली जाएगी वो फिर परचेज में शामिल होगी एट अ मार्जिन ऑफ 30% आपस में जब चीजें भेजिए तो मार्जिन व्हाट इज 100 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड Head office expenses amounting to rupees 75 million, which have not been allocated to any segment. अब इसका करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप as it is दोबारा पढ़ के बताएं ये कहता क्या है। Head office के अपने operating expenses कितने हैं? किस segment की figure में शामिल है? Segments के जो operating expenses हैं उनमें शामिल नहीं। बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगा था बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 75 मिलियन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल होना चाहिए लेकिन किस में शामिल नहीं है फिलहाल तो ये सेगमेंट्स के रिजल्ट्स हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस सेगमेंट्स में शामिल नहीं है
शायद होने भी नहीं चाहिए, अगर होते तो निकाल देते हैं। फर्दर मोर एसेट्स एंड लाइब्रेटीज अमाउंट रुपीज 150 मिलियन एंड 27 मिलियन हैव नॉट बीन एलोकेटेड इन द एसेट्स एंड लाइब्रेटीज ऑफ एनी सेगमेंट। असल में फर्स्ट पेज जरा सेम लाया था, फर्स्ट पेज में जाएगा। फर्स्ट पेज के एंड में एक सेंटेंस छोटा सा पढ़ा था, क्या बिजनेस का हर हिस्सा ऑपरेटिंग सेगमेंट? तब जो इससे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं है उन हिस्सों के अगर कोई खर्चे हैं, उन हिस्सों के अगर एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, तो वो सेगमेंट्स में तो नहीं होंगे। इन बिजनेस के एज अ होल की अगर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसमें सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस होने चाहिए। अब इसका इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन दोबारा पढ़ने क्या क्या किस किस में शामिल नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में शामिल नहीं है, और एसेट्स और लायबिलिटीज भी कुछ ऐसी हैं जो अनएलोकेटेड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स करना हमने क्या, डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, नंबर टू हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। जब आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपने उसके कुछ डिस्क्लोजर्स देना है, तो डिस्क्लोजर्स के साथ साथ एक रिकंसिलिएशन भी बनती है, तो ये हम डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स रजिस्टर करना। अब कल जो हम पढ़ते थे दैट वाज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, आज मैं अब आपको फॉर्मेट सॉर्ट ऑफ इसलिए बताऊंगा कि ताकि जिन क्वेश्चन में डिस्क्लोजर बनने हो वो भी जरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हेडिंग ब्रांच गौहर लिमिटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ reportable segments, बताइए कौन कौन से segments reportable है। क्या इस स्टेज पे हमें पता होगा सर, कैसे पता चलेगा सर? 10% रूल लगाना पड़ेगा, फिर 75% स्टोरी चलानी पड़ेगी सर। तो कॉलम्स में पांच सेगमेंट्स हैं, इनको जरा कॉलम वाइज बनाना है। केमिकल्स, सोडा ऐश, पर एक टोटल का भी फिर करना होगा, थोड़ा स्पेस रखना है, रुपीज इन मिलियंस कहीं लिखना। केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, ये स्टार्ट करें सर। सेल्स डिपार्टमेंट, वन सेवन नाइन जीरो
216 227 247 252 होटल की जगह। या इसके नीचे वाला सर संडे सुना जो टेबल बना हुआ, क्या इसमें इंटर सेगमेंट सेल भी शामिल? यस सर, इसको लेस करके एक्सटर्नल सेल्स निकालना। लेस इंटर सेगमेंट सेल्स, इंटर सेगमेंट सेल बता दें किस किस डिपार्टमेंट की है। कोई 28 और 10 प्लस होके 38 सिर्फ केमिकल्स में है। और पॉलिएस्टर और सोडा एच में क्या होगा? सेल्स में कुछ नहीं हो, सेल्स में कुछ नहीं हो। अब इसको लेस इसलिए सिर्फ हमने किया ताकि फिर हमारे पास एक्सटर्नल सेल्स की भी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि उसकी भी फिर जरूरत पड़ती है जब आपने 75% रूल अप्लाई करना पड़ती है सर। यस सर, ऊपर मैंने सबसे पहले टोटल सेल लिख ली है इंक्लूसिव ऑफ इंटर सेगमेंट सेल, तो लेस करके आपके पास एक्सटर्नल सेल। ठीक है सर, तो ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन, यकीनन अगर तो सिर्फ आपने वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हो तो शायद इस डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्लोज भी बनाने पड़ते हैं अक्सर, तो जरा ये फॉर्मेट हेल्प करेगा। डन है सर यहाँ तक? देन उसके बाद फिर हमें अब एक तो सेल्स हो जाएंगे एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल, देन फिर हमें प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया देखना पड़ता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना, ग्रॉस जरा सामने प्रेजेंट कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट तक आ रहा है, आ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखने से, मतलब ऐसे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट डेफिनेटली मींस नेट प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1101 117 48 26 31 टोटल 1323। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, इस स्टेज पे आपने सिर्फ सेगमेंट्स की वर्किंग करनी है, अगर कुछ अनएलोकेटेड है जो सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उनका यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ सेगमेंट्स की वर्किंग हो रही है। व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली? 63 57 43 16 12। कहाँ से डाटा में लिखी जा रहा हूँ? सर जी सेगमेंट्स की वर्किंग हो रही है, सेगमेंट की सेल है, सेगमेंट का प्रॉफिट है, जब पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एज अ होल इकट्ठा करेंगे तो सोचेंगे केमिकल्स की सेल है
उसका प्रॉफिट भी है, क्या बिजनेस का है तो बाद में बात करें। केमिकल्स का, केमिकल्स की सेल है, हम अलग अलग देख रहे हैं, जब बिजनेस को इकट्ठा करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपस की सेल कैंसिल हो जाएगी और आपस का प्रॉफिट निकल जाएगा। सिर्फ कौन सा प्रॉफिट आना चाहिए जो अदर देन बिजनेस है, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं, सेगमेंट मीन्स सिर्फ केमिकल्स, सिर्फ सोडा है, उसकी तो सेल है ना, ठीक, उसका तो प्रॉफिट है ना सर, प्रॉफिट निकल सर, कैसे आ जाएगा प्रॉफिट सर, डबल 101 माइनस 63 1038 60 25 10 19 टोटल कर 155। इस वक्त क्या हो रहा है, जो कल हमें डाटा दिया होता था सवाल में, अरेंज डाटा दिया होता वो हम अरेंज कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा, फिगर्स दी हुई थी, आज फिगर्स सॉल्व करनी पड़ रहा। देन फिर प्रॉफिट, अब लॉस इसमें किसी का नहीं आया, ठीक है, प्रॉफिट के बाद फिर कौन सी थर्ड थिंग देखनी है, तीसरी चीज, एसेट्स लिस्ट बनी हुई 637 ट्रिपल 4 115 127 132 144 टोटल की जगह। ठीक है सर, टोटल कैसे आ गया, अब 10% रूल में कोई लाइबिलिटीज का कोई चक्कर नहीं है, तो लाइबिलिटीज की कहां जरूरत है, वो बाद में मेरी स्टोरी है दर्द सुनिएगा, यहां तक जो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, क्या 10% रूल इन्हीं के बेस पे, देन फिर इसका एक तरीका ये रखना, वो जिस तरह 10% कल भी मुझे कैलकुलेट करवा रहा था, एक पहले तीनों लिमिट्स लिख लें, अब अलग अलग डिसीजन लेने के बजाय इस तरह कर लेता है, तो टाइम सेविंग है, 10% रेवेन्यू बता दो, मतलब रेवेन्यू की 10% लिमिट कैसे देखें, कुछ है दिन में इस वक्त जो स्टेज पे अपने वर्क फिगर देखनी है, वो एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के देखना, तो मीन्स उसे कौन सी फिगर नजर आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करनी है, अपना डेटा देखना, मैंने आपके सामने सब कुछ लिख दिया, इस डेटा में सब कुछ है, तो 10% ऑफ 2732 या 2694 इस स्टेज पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देखने हैं, तो 2732 का 10% मींस 273 पॉइंट, तो ये रेवेन्यू की लिमिट हो जाएगी। नंबर टू, 10% ऑफ प्रॉफिट ढूंढे, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस कितना, तो यही हायर है इसका 10%, 115.2 और लास्ट नंबर थ्री, 10% ऑफ एसेट्स 145.2, मतलब मेरी इस बात का भी है कि एक सेकंड जरा ये तीनों फिगर्स इकट्ठी देख लेना, इन फिगर्स को इकट्ठा एक दफा कैलकुलेट कर लिया हमने, अब इसको जरा चेक करना शुरू करें, पॉइंट वन जब चेक करना है तो काइंडली जेन में है या रिवाइज करना देखें, जब पॉइंट वन आपने करना है तो उस वक्त आपने एक्सटर्नल से लेनी है या टोटल लेनी है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के लेना, तो मीन्स 273.2 जेन में रखें, और केमिकल्स में क्या देखें वहां बता देंगे, 1790 देखें या 1752 देखें, 1790 देखें, क्या केमिकल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिपोर्टेबल बन गया, सोडा ऐश पॉलिएस्टर पेंट्स फार्मा, सेकंड क्राइटेरिया देखें, प्रॉफिट है
केमिकल्स का प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 1038। सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, फार्मा, एसिड्स, केमिकल्स, सोडा ऐश बन गया है, पॉलिएस्टर, पेंट्स, फार्मा, कंक्लूजन केमिकल्स एंड सोडा ऐश। ठीक है, बस समझेंगे कैसे करना। तो 10% लिमिट सामने रखना और एक ही दफा सब कुछ देख के फाइनल डिसीजन लेना। केमिकल्स एंड सोडा ऐश आर रिपोर्टेबल सॉल्वेंट्स, यहां तक। नहीं, एक मिनट, केमिकल्स डेफिनेटली शायद तीनों क्राइटेरियाज मीट हुआ, लेकिन तीनों जरूरी नहीं होते। सोडा ऐश किस वजह से बना? एसिड्स की वजह से बना। और पॉलिएस्टर, पेंट्स और फार्मा सेल्स, प्रॉफिट या एसिड्स वाला कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए। डन हो गया यहां तक? यस सर। स्टूडेंट्स ओके, जी बात खत्म या फिर शुरू? 75% रूल्स, बट इस 75% रूल्स, अब जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए, इनका अपने एक्सटर्नल रेवेन्यू ढूंढना है, तो जरा ढूंढवा दें। 1752 प्लस 216, इट्स इररिलेवेंट कि किस क्राइटेरिया की वजह से सेगमेंट रिपोर्टेबल बना है। जो बन गया है उसका अपने एक्सटर्नल रेवेन्यू उठाना, और किसका उठाऊं? डिवाइडेड बाय क्या करूं? 2694। इस वक्त आपने एक्सटर्नल रेवेन्यू को बेस बना और इनटू 100, आंसर 79.71, 73.05%। एक और परसेंटेज बोर्ड से आ रहा है। जी सर, 75% रूल अप्लाई हो गया, आगे चला। ठीक है सर, इशू है कुछ? यस सर। है इशू? नहीं, आई होप कि फिगर्स तो फाइनल है सर। अब इसका मसला ये हो गया कि 75% रूल अप्लाई नहीं हुआ, देयरफॉर अब 10% रूल की बेस पे तो पॉलिएस्टर, पॉइंट्स और फार्मा रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बन रहे, लेकिन इस 75% रूल को अप्लाई करने के लिए, चाहे अब 10% रूल अप्लाई नहीं भी हो रहा, तो आपने किसी एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बना के 75% रूल फाइनल करना। किन में से आपको ढूंढना? पॉलिएस्टर, पेंट्स एंड फार्मा। अब डेफिनेटली बेटा इसमें कोई रूल नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसको चाहे बना के देख लें। 75% रूल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन शायद मेरी सजेशन ये है कि जिसकी फिर हाईएस्ट सेल हो, लेकिन ये कोई रूल, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिएस्टर बना लें, और अगर पॉलिएस्टर को मिला के एक्सटर्नल सेल 75% ज्यादा हो गई तो इशू कोई नहीं है। आप पेंट्स बना लें, आपकी चॉइस है, मीन्स उसे जो रिमेनिंग रहेगा उनमें से कोई भी उठा लें, करना बस क्या है 75% रूल अप्लाई। लेकिन शायद बेहतर ये है कंपैरेटिवली कि जिसकी हाईएस्ट सेल हो उसको नॉर्मली उठा लिया जाता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है सर। तो ठीक है, कोई इसमें गलती वाली बात तो नहीं? तो आप हुक्म करें, चलो नेक्स्ट एक लाइन लिखें। लेट्स अज्यूम बाय फार्मा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे हमने हाईएस्ट सेल देखे शायद इसी में। लेट्स अज्यूम फार्मा इज अ
रिपोर्टेबल सेगमेंट एज इट हैज हाईएस्ट सेल्स मतलब हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हमने इस वजह से उठाया, वरना ये कोई ऐसा रूल नहीं है। समझ आ रही बात पे? तो बस ठीक है, वो खत्म होगी बात। अब चेक भी तो कर रहा ना कि फार्मा को मिला के क्या 75% रूल अप्लाई होता है कि नहीं। जो अनाउंसमेंट बड़ा ओके प्लीज करें चेक। फर्दर क्या ऐड हो जाएगा? 252 बेस वही रहेगी 2694 इंटू 100। एक और परसेंटेज आ रही है और नौजवान उठ उठ के देखने लगे 82.4 अप्रोक्सीमेटली। क्या 75% रूल अप्लाई हो? तो फाइनली कंक्लूजन इज फाइनल कंक्लूजन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर केमिकल्स, सोडा एश एंड फार्मा सेगमेंट्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा फाइनल प्लीज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी जगह? जो बैच सब लिखनी फिगर्स बैच सब सामने है सर, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन है। बोलते बैच इस का हो गया, कहाँ लिखी है? जहां लिखी है उसकी तस्वीर जरा सेंड करो, मुझे अपना नंबर दे दो व्हाट्सएप पे, जरा जल्दी से तस्वीर खींच। ये हो रहा था सर, नंबर जल्दी 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 रेडी कर ले मोबाइल। आप नेक्स्ट सेटिंग बढ़े सर, दे दे नंबर ये कोई भी दे दे सर, मोबाइल जल्दी सेंड करिए। ये सारी वर्किंग नजर आनी चाहिए मुझे अब, ये स्क्रीन से ना स्क्रीन शॉट ले लो। रजिस्टर रजिस्टर जल्दी जल्दी डेडी घर ही होंगे, उन्हें भी सेंड करना था। देन सर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, कौन कौन से हो गए सर? कौन 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 से हो गए सर? अब इनका करना क्या है? इनके डिस्क्लोजर देने हैं नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं, चेंजेस इन इक्विटी नहीं, कैश फ्लो नहीं, नोट्स में हम जाने लगे हैं। हेडिंग लिखें जरा, गौर लिमिटेड। तो लिखना यार, मुझे पता नहीं लिखा वो बैठ ही, मुझे पूरा यकीन है क्यों नहीं लिखा। मुझे आंसर भेज रहा है घंटे से, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, इस तरह थोड़ी एग्जामिनर को आंसर भेजने, वर्किंग लिखनी है यार। डिस्क्लोजर बनाने प्लीज। ये सर गोहर लिमिटेड ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे साथ साथ रहना, फिगर्स जरा ढूंढी मेरे साथ। नोट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स for the year ended 31st December March 31st March
15. अब इसका एक फॉर्मेट है, एक दफा मेरे साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। फिगर्स लिखनी कैसे है वो भी बिल्कुल सिंपल एंड साथ साथ बस रहेगा, इसमें कोई साइंस नहीं है, करना ये है। रेडी? सबसे पहले तो घड़ी में लाने डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट रिजल्ट्स, बल्कि रिपोर्टेबल नहीं सर, डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। रीजन क्या है बताता हूं, डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में क्या फर्क है? यस सर। रिपोर्टेबल कौन कौन से हैं? ठीक है, जो रिपोर्टेबल है उनको तो अलग अलग बताना है और जो रिपोर्टेबल नहीं है उन सबको इकट्ठा करके कॉलम बना दे। तो डिस्क्लोज सबने होना है लेकिन कैसे, जरा एक मिनट रुक देखो। रिपोर्टेबल कौन कौन सा? तो एक कॉलम बन गया पहले केमिकल्स के लिए, सेकंड हो गया सोडा एश, थर्ड हो गया फार्मा। अपना आंसर देखें, वहां तो तरतीब में पेंट्स और पॉलिएस्टर है, अब तरतीब खत्म हो गई है, अब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आ गए। कौन कौन से रिपोर्टेबल नहीं बने उनका बनाम नहीं आएगा, उनके लिए सिर्फ वर्ड आएगा अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट, अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो किन को अदर्स का नाम दे दिया है और फिर टोटल, तो किन को बाय नेम और किन को इकट्ठा करके। तो लेफ्ट साइड पे स्पेस रख लीजिए, उसमें कुछ पे लिखना कॉलम बनाओ। अब ये जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है ये शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल रही होगी? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से? लॉस में। वहां तो टोटल आ रहा है, ये ब्रेकअप नोट्स में। अब जो सारी फिगर्स आपने पहले टेबल में लिखी हैं वही सारी यहां रेंज होनी है। तो हेडिंग्स मैं बताऊंगा, फिगर्स आपने ढूंढनी। सबसे पहले डिस्क्लोजर देना होता है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। अच्छा, ये जो ऊपर हमने वर्किंग की है पहले, ये नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये हम अकाउंटेंट की अपनी वर्किंग है और हमने इस वर्किंग से आइडेंटिफाई क्या किया कि रिपोर्टेबल कौन कौन से। ये वर्किंग एसेट नोट्स का हिस्सा नहीं, ये वर्किंग है। मीन्स उसे कहीं ये सवाल ना जहन में ना आ, पहले कर तो दिए, पहले जो किए वो अपने लिए किए, अब ये जो करने लगे ये शेयर होल्डर्स के लिए करें। जिस तरह स्केड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है जहन में, लेजर्स बना लिए हमने जी सर, वो उन्हीं को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना जी सर। लेकिन लेजर्स इंटरनल वर्किंग है, स्टेटमेंट जो बना रहे हैं स्केड्यूल बना रहे हैं उसमें नोट्स में बना रहे हैं। ठीक है, तो हेल्प हम यहीं से लेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, सारा डाटा ढूंढने रखा है, पिछला पेज महसूस हुआ आते जाते, अगर पिछला पेज है केमिकल्स कितना है, सोडा है, फार्मा, जंप लगाना फार्मा, कौन सा दो रहेगा रास्ते में, कैलकुलेटर उठा, 227 प्लस 474 247 आंसर इज 474। ये ब्रेकअप इसलिए लिख लें कि बाद में शायद जरूरत पड़े जब रिवीजन कर रहे हैं। टोटल करवा दें, टोटल वही है, वही क्यों आगे पीछे ही हुआ बस। देखें
यार इसमें इसका फिगर्स मिल गई प्लीज, वो सारी आपके पास वही फिगर्स हैं जो ऊपर टेबल में है। तो जस्ट अब क्या होने लगा है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अलग और अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इकट्ठे अलग और फाइनली उनका टोटल। करेक्ट, देन ढूंढना होता है इंटर सेगमेंट सेल्स, इंटर सेगमेंट सेल। ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो भी सकती है, तो अगर है तो वो डिस्क्लोज हो जाएगा। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू थोड़ा ऊपर, रेवेन्यू कर लीजिए कितना 38, और किसी में इंटर सेगमेंट सेल्स नहीं है। अब एक्सटर्नल पहले लिख लिया, इंटर सेगमेंट बाद में लिख लिया, तो यहां से फिर आप टोटल रेवेन्यू प्लस करके आ गए माइनस करके, पहले तो माइनस करके आया था टोटल में से एक्सटर्नल, इंटरनल निकाल के एक्सटर्नल आया था। अब जरा थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट हो गया, 1790, 216, 252, 474, 2732। डन सर। नेक्स्ट हेडिंग होती है फिर यहाँ अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू के अलावा अगर कोई अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है तो वो फिर आपने डिस्क्लोज करना। अच्छा, इस वक्त जितनी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये डेफिनेटली डिस्क्लोज में डिफाइंड था IFRS 8 पे, तो वो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दी कि वरना ऐसे ही बगैर कोई फॉर्मेट जहन में हुए पढ़ने से काफी थ्योरेटिकल सा हो जाता है। बाद में फिर इंशाल्लाह पढ़ भी लेते हैं अदर मटेरियल्स इंफॉर्मेशन में क्या क्या हम वही कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले आपने ढूंढना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ढूंढना था हेडिंग क्या होगी अदर मटेरियल मींस क्या है, तो उसमें क्या क्या होता है ये भी स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिगर्स ढूंढनी होगा, सब कुछ लिखा होगा 63 मेरे पास नहीं सर, अभी उसकी गेम नहीं शुरू हुई, ये सेगमेंट्स रिजल्ट्स है। इसमें हेड ऑफिस का भी कोई बहस नहीं, अनलोकेटेड नहीं है, अगर इसमें हो तो वो चाहिए भी नहीं है, ये सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन, तो ये सब कुछ टेबल में मौजूद है। 63, 57, 12, केमिकल्स सोडा एश फार्मा मिल गए, अदर्स में कौन कौन आना है, तो अदर्स में जो फिगर्स आ रहे हैं उनका टोटल कट जाएंगे 23 प्लस 16 39 171। फिगर्स मिल गई सर, प्रॉफिट ढूंढना था, प्रॉफिट ढूंढना है, सॉल्व होना है या ढूंढना है, सॉल्व होना है ढूंढना है, इधर से सॉल्व नहीं होना, एक साइड बोर्ड पे देखा था ऊपर रेवेन्यू है कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे तो रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज किया, वहां लिखा तो था लेकिन नेट प्रॉफिट बनाने का, तो हमने सिंपली क्या ढूंढना है जो नेट प्रॉफिट गिवन है। अब गिवन कहाँ है, वर्किंग 1038 60 19, ये ठीक है ना, फार्मा में जा रहे हैं बार बार, और 25 जमा 10 35 115 2। ये प्रॉफिट वाली वर्किंग आप ऑलरेडी कर चुके होंगे जब आप सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बना रहे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपने लिखने होते हैं सेगमेंट एसेट्स,
सेगमेंट के एस्पेक्ट्स की डिटेल वंस अगेन क्वेश्चन में, सॉरी आंसर में। 637 444 132 117 plus 127 242 1455 ठीक है 1455 टोटल दोबारा करना भी वैसे अलाउड है मेरे ख्याल। इकट्ठे यहां तक देन सर इसके बाद अगर लाइब्रेटीज हो तो लाइब्रेटीज का डिस्क्लोजर देना। लाइब्रेटीज 10% रूल में तो नहीं है लेकिन लाइब्रेटीज ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अगर इंफॉर्मेशन है तो उनका डिस्क्लोजर देना है। तो मीन्स उसे कैसे लिखेंगे सेगमेंट लाइब्रेटीज 442 नोट करें 355 जंप लगाएंगे 98 पे और 94 और 108 को प्लस करके लिखेंगे करें फाइनल अपना। कहां से फिगर्स देखेंगे सर क्वेश्चन कहां है सर हर तरफ है सर कहीं से तो देखें। फोर फोर्टी टू प्लस 355 फार्मर ढूंढना पे 98 और 94 प्लस 108 ठीक है जी। कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं प्लीज। सेगमेंट लाइब्रेटीज रिस्पेक्टिवली आर 442 355 98 94 plus 108 202। अब डेफिनेटली ये वर्किंग हमने वहां नहीं लिखी हुआ करेगी क्योंकि इसका 10% रूल से ताल्लुक नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में से कहीं से ढूंढा कर 1097 डन है प्लीज। तो बस ये डिस्क्लोजर सर नंबर एक क्या फॉर्मेट है इसका रिपोर्टेबल सेगमेंट्स लिख लेंगे आप और जो रिपोर्टेबल नहीं होंगे उनको अदर्स में लिख के टोटल कर लेंगे टोटल ही कॉलम बन जाएंगे फिर एक्सटर्नल इंटरनल रेवेन्यू ढूंढेंगे टोटल कर लेंगे अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन में जो इस वक्त अवेलेबल है वो मैंने लिख दी है बाकी चीजें भी अगर अवेलेबल हों वो कौन सी होती है वो फिर डिस्कस कर लेंगे ठीक है सर यहाँ तक। देन जो दूसरा डिस्क्लोजर बनता है वो हेडिंग लिखें एक तो किसी का डिस्क्लोजर बन गया तो हेडिंग पढ़ना देन एक रिकंसिलिएशन बनती है रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट रेवेन्यूज प्रॉफिट और लॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब हेडिंग सिर्फ यही है लेकिन रिकंसिलिएशन किसके साथ नहीं वो मैं बताता हूं पहले किसकी ऑपरेटिंग सेगमेंट रेवेन्यूज प्रॉफिट एसेट्स लायबिलिटीज की रिकंसिलिएशन किसके साथ विद एंटिटी एज अ होल विद एंटिटीज टोटल एज अ होल मीन्स रेवेन्यू ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की रिकंसिलिएशन एंटिटी के टोटल रेवेन्यू से ऑपरेटिंग सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस की रिकंसिलिएशन एंटिटीज के टोटल प्रॉफिट और लॉस से ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स की रिकंसिलिएशन एंटिटी के टोटल एसेट्स के साथ और सिमिलरली लायबिलिटीज की मतलब इसका क्या है जरा कहीं थोड़ी सी पेशेंस अगर दिखाएंगे तो बात ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुश्किल नहीं है। यहां पर वंस अगेन कुछ कॉलम्स बनाएंगे
यहां कॉलम्स में सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स टोटल, रिपोर्टेबल सेगमेंट टोटल। मुझे जरा दो तीन कॉलम बना लेने दें, आपने पिछला देखा जरा जो पीछे बनाया अभी, रिपोर्टेबल सेगमेंट टोटल। अब इस कॉलम में मैं क्या करूंगा, केमिकल, सोडा एश और फार्मा इकट्ठा कर, अदर देन रिपोर्टेबल पहले टोटल हुआ, अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पहले ही इकट्ठे हो गए हुए, इन दोनों को इकट्ठा करके वही टोटल बन जाएगा जो ऊपर बना था। देख लेते, पहले कॉलम में कौन कौन जमा हो गया, केमिकल, सोडा एश और फार्मा। अगला कॉलम एसिड्स आ गया, अब टोटल यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं, टोटल ऊपर हुआ है, लेकिन दोनों को सम करेंगे तो ये टोटल वही बनेगा। फिर देन करना ये है कि जो भाई अभी बातें करने शुरू हो गया था, इलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन होंगी, कोई इंटर सेगमेंट उसकी इलिमिनेशन भी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू तो आ रहा होगा, लेकिन सेगमेंट्स के रेवेन्यू में तो आपस का रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन वो रेवेन्यू एंटिटी के टोटल में शामिल नहीं होगा, या होगा इंटर सेगमेंट जो रेवेन्यू है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो किसको किससे रिकंसाइल करेंगे फिर, फलादे फलादे मायूसी की इंतहा करते हैं। तो यहां तक बनाया जरा, एक कॉलम दो कॉलम इसके बाद बनने, कॉलम शुरू करें, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन के बाद ही दो कॉलम बनाना, अदर एडजस्टमेंट से पहले। एंटिटी टोटल एंटिटी किसे कहते हैं, कंपनीज टोटल, पूरे बिजनेस की बात है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स टोटल अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन, अदर एडजस्टमेंट्स, एंटिटीज टोटल। ये अगर नोट कर लिया तो बता दीजिए। पिछला डिस्प्ले देखें सर, कैलकुलेटर उठाए, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू बताना शुरू करें। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू आपके ख्याल में कितना है, केमिकल्स का कितना है, 1790 1790 है, वही है उसका रेवेन्यू, ठीक है उसमें शामिल है, लेकिन उसका तो रेवेन्यू ही है, तो किन फिगर्स को प्लस करेंगे, 1790 प्लस 216
प्लस 252 मीन्स उसे आपने टोटल रेवेन्यू उठाना, टोटल रेवेन्यू उठाना है किन का? डेफिनेटली इसमें अपस वाला भी होगा लेकिन उनका तो रेवेन्यू है, उनका तो है, सम कर डबल टू फाइव एट। बात पूरी तरह कर लेने तुम लोग, ठीक है सर। अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू गिवन है, कैलकुलेट हुआ है, ढूंढ के बता दो। 474। अब ऑब्वियस इनका टोटल वही होगा जो ऊपर बना था, तो वो अब साइंस कोई नहीं है। आगे ये करना है कि नेक्स्ट कॉलम को हेडिंग पढ़े। अब हमने इसमें करना क्या है, इधर से हमने किधर जाना, किधर है लास्ट कॉलम में जाना है। ये सेगमेंट्स का रेवेन्यू है। अब बिजनेस की जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फिगर सामने लाया था, उसमें सेल आ रही होगी, लेकिन वो सेल सिर्फ किसकी होगी? एक्सटर्नल कस्टमर्स की सेल होगी। तो उसमें कौन सी सेल नहीं होगी? 38 नहीं होगी। क्या इनमें है? तो इधर से किधर जाना है? इधर से उधर जाना है। तो रास्ते में क्या करेंगे, 38 माइनस कर देंगे, और कोई एडजस्टमेंट का यहां जिक्र नहीं है, कैलकुलेटर उठाए। इतनी जादुई फिगर आ रही है, और ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। 2694 ऊपर देखें क्या एक्सटर्नल कस्टमर्स की सेल, क्या यही बिजनेस की टोटल असल सेल है? तो किधर से किधर गए हम? तो रास्ते में अगर कोई इलिमिनेशन करनी तो इलिमिनेट करके आपके पास टोटल आएगा। क्या ये फिगर 2694 आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आ रही हो? तो शेयर होल्डर्स को ये रिकंसाइल कर दिए कि इधर ये कह रहे हैं, उधर वो है, तो आखिर इनके दरमियान रास्ते में क्या है? इंटर सेगमेंट सेल लिखे, किस को किससे रिकंसाइल कर रहे हैं? जो ऑपरेटिंग सेगमेंट की फिगर्स हैं उनका मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आते हैं। क्या मैच होनी चाहिए? इधर टोटल और ही आई जा रहा है, उधर टोटल और आ रहा है, ये सही है, ये वो सही है, दोनों सही है, मसला बता देंगे। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट दोबारा पिछले डिस्प्ले में चले थे। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिस्प्ले करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के प्लस करें, साथ वाले को प्लस करते हुए मत देखें। 63 + 57 प्लस 12 व्हाट इज 132। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखें? 39। टोटल वही हो जाएगा जो ऊपर है, उसकी बहस छोड़ें। कोई आपस के एक्सपेंसेस की बहस तो नहीं है, लेकिन अब सवाल में सब ने जाना जरा, ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं यकीनन ये सेगमेंट्स के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन लास्ट पैराग्राफ क्या 75 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सेगमेंट्स को एलोकेट नहीं हुए, बिल्कुल सही नहीं हुए, क्या एंटिटी एज अ होल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे होंगे? तो इनमें भी तो आ रहे हैं, इनमें नहीं आ रहे, किसमें आ रहे होंगे? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ध्यान में रखें, क्या बिजनेस के खर्चों में वो खर्चे भी आ रहे होंगे? तो इधर से उधर कैसे पहुंचे? माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर, इधर से उधर जाते हुए प्लस क्यों हो रहा है? उधर होंगे, इधर नहीं है, प्लस या माइनस? 246। अब डेफिनेटली 246 फिगर्स आर रिकंसाइल रखें, ऊपर वापस जाएं जहां ये फर्स्ट डिस्क्लोज था। चले अगर लिखें तो लिखें वाई एट, सही सेंटेंस, इनमें नहीं है,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होंगे होंगे, तो अगर होंगे तो हमने क्यों जमा कर दिए? ये ध्यान में रखिए, हम इधर इस सीक्वेंस में जा, इस तरह से जा रहे हैं, किसमें होंगे लेकिन किसमें नहीं थे, तो इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से किधर, सेगमेंट से उधर जा रहे हैं, एंटी की तरफ जा रहे हैं। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था अभी फर्स्ट डिस्क्लोजर जरा देखें, फर्स्ट डिस्क्लोजर में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम क्या है? अब उसमें सिंपली बस क्या ऐड हुआ हुआ करके देखना, 75 उसमें ऐड, उसमें क्या नहीं था जो ऐड हो गया, तो ठीक है वो डिस्प्ले ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का है। लेकिन अब ये रिकंसिलिएशन बन रही है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के जो एक्सपेंसेस हैं उन वो उनका बिजनेस एज अ होल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्या लिंक है, लिंक इन अ सेंस कि उसमें ये नहीं है जो वहां शामिल है। ठीक है सर, चले जाओ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन सर सबसे चैलेंजिंग आ रही चीज प्रॉफिट, और इसको लिखने की ख्वाहिशात खत्म कर दें, फुल कंसंट्रेशन से जरा फिगर्स देखते हैं। पहले वो इंडिविजुअल फिगर्स ढूंढ लें जरा पिछले डिस्प्ले से, सब लोग प्लीज। 103 + 60 + 90, ये तो हो गया प्रॉफिट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अदर देन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 35 कटे यहां तक। अब जो भाई ने कुछ अर्सा पहले बात की, कुछ अर्सा कुछ देर पहले वो आ जाए जरा, 38 ढूंढे ऊपर, 38 क्या है? ये सेल है, क्या इस सेल का प्रॉफिट इन फिगर्स में आ रहा हो? बल्कि टू बी वेरी स्पेसिफिक 1038 ढूंढने तरफ, केमिकल्स की सेल थी ना, केमिकल्स की सेल में 38 का प्रॉफिट आ रहा होगा, क्या वो आपस का है? क्या वो आपस का है? क्या बिजनेस के प्रॉफिट में भी वो प्रॉफिट आ रहा होगा? बिजनेस के प्रॉफिट में भी वो प्रॉफिट आ रहा होगा। कैंसल आउट होना चाहिए, किधर से किधर जाते हुए प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकलना चाहिए, तो प्रॉफिट में सेल ही निकाल दो, 38 निकाल दो, क्वेश्चन में आ रहा है मार्जिन दिया होता सर, उठाने के लिए मार्जिन ऑफ 30% सर, व्हाट इज द टोटल सेल, 38 डिवाइडेड बाय 100, मार्जिन प्लीज डिवाइड बाय 100 इनटू 30 से कर सर, 11.4 सर, ये वर्किंग की सेंस समझ आ रही क्या? एक वर्किंग लिख रहा हूँ, 38 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30% 11.4 प्लस है माइनस, किधर से किधर जाते हुए एनी कंफ्यूजन यहां तक इकट्ठे होंगे? Why minus? कहाँ है कहाँ नहीं होना चाहिए, समझ आ रही प्लीज? ठहरे, सबसे इम्पोर्टेंट इशू आखिरी आ गया, एक आखिरी इशू रहता है। ये अगर लिख लिए तो यहां तक बताना, न्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? चले सर, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सुन रहे हैं,
75 दोबारा ढूंढने, अभी थोड़ी देर पहले एक 75 आया था, एलोकेटेड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, वैसे तो ऊपर भी नजर आ रहा है कहीं। पहले आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ला रहा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें 75 लेस करके फिगर आ रही है। yes, sir. Yes, sir. क्यों? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे हो। अब हमने सेगमेंट से प्रॉफिट निकालना है टोटल का, तो जरा इधर आए, डबल ट्रिपल 17 और से देखा, 117 में रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके। मैं भी बोल दे कहां 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 पिछली वर्किंग में हो गए, मैं सही कह रहा हूं, चेक तो कर रहे हैं। 117 जो आपने इकट्ठा किए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके माइनस हो चुके हैं, कौन से सेगमेंट्स के? केमिकल, सोडा एश, फार्मा। नेक्स्ट फिगर देखें 35, इसमें किस किसके हो चुके हैं? तो क्या यहां तक पहली दो फिगर्स तक सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं? प्रॉफिट शामिल था वो हमने लिमिट कर दिया, अब हमने उधर पहुंचना है, उधर किधर? तो क्या उस प्रॉफिट में 75 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हुए होंगे? जो इधर भी हो गए। अब इस वक्त प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम असल में क्या है? ये बेटा इस वक्त ये नहीं हो रहा कि जरा लास्ट कॉलम देखे, नहीं मैंने सर्कल लगाया, हम ये नहीं कर रहे कि बिजनेस का रेवेन्यू लिखा, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल लिखी, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे। ऑब्वियसली अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 75 लिख लिया है तो ऑटोमेटिकली क्या प्रॉफिट में 75 लेस होके आता है? yes, sir. लेकिन हम इस रो में कैलकुलेशन नहीं, रो जो इस कॉलम में वर्किंग नहीं कर रहे। 246 ढूंढ रहा, क्या 246 में 75 आ नहीं गया? आ नहीं गया। तो उधर आने से बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट 75 कम नहीं हो जाएगा? तो मैं क्यों दोबारा कर रहा हूँ? पहले दोबारा जरा एक सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस है मतलब, उसमें 38 भी नहीं होगा, सारी फिगर्स देख लेते हैं, उसमें 38 वैसे ही नहीं होगा, हमने क्यों एडजस्ट किया? हमारे पास आ रहा उसमें 75 ऑलरेडी होगा, हमने क्यों प्लस किए? उसमें 11 का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, टोटल में 11 का इफेक्ट ही क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 38 ही नहीं हुआ, तो हमने क्यों किया एडजस्टमेंट? तो अब वंस अगेन जो 75 है हम कहां से कहां रिकंसाइल करने लगे? हमारी इन दो फिगर्स में क्या सेगमेंट्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे हो गए? लेकिन किसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं आ रहा अदर देन सेगमेंट, और आना भी नहीं चाहिए, यहां आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या यहां तक आते आते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस भी माइनस होने चाहिए? माइनस होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, खर्चा, तो खर्चे में जमा होना चाहिए, खर्चे में जमा होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में से एक तो भाई खर्चे में जब जमा कर लिए तो प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो कहीं हम रिकंसाइल कर रहे हैं सेगमेंट के प्रॉफिट को बिजनेस एज अ होल के प्रॉफिट के साथ, तो दोबारा ऐसा ऐसा क्या सेगमेंट्स के अपने प्रॉफिट्स में फिगर्स बोले, किन फिगर्स की बात करो? 117 एंड 35, इनमें से सेगमेंट के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, लेकिन क्या इन प्रॉफिट्स में इंटर सेगमेंट प्रॉफिट आ रहा था? तो हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट किया? ताकि हम वहां पहुंच जाए, उस प्रॉफिट तक पहुंच जाए जिसमें 11.3 11.4 शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं? तब हमें 75 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्यों कंसिडर करना पड़ा, कोई अच्छी सी रीजन बताया जरा। नहीं मतलब ये शायद हमने जिन प्रॉफिट्स को बेस बना के एंटिटी एज अ होल तक पहुंचना है उन प्रॉफिट्स में फिलहाल 75 मिलियन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं हुए, और जहां हमने पहुंचना है वहां वो हो चुके हैं। तो ऊपर से टोटल कर लेते हैं,
नहीं कर हो भी नहीं सकता और उधर से करना भी नहीं है, रिकनसाइल करना है इसको, किससे रिकनसाइल करना, हेडिंग ढूंढना था तो इस चक्कर में बड़ी उधर से कर लेते हैं, उधर से हमने किधर से किधर पहुंचना, ऑपरेटिंग सेगमेंट से एंटिटी एज अ होल की फिगर रिकनसाइल करनी है, बीच में बताना है कि कौन से फिगर्स जो इधर थी उधर नहीं होनी चाहिए और कौन सी फिगर जो इधर कंसिडर नहीं हुई उधर कंसिडर हुई तो कंसिडर करनी है। आई होप कि बात कुछ नहीं समझ आ सकी, एनी कंफ्यूजन? अच्छा क्या कह रहा हूँ पहले ये बता दें, 75 प्लस करना है और यार एक दफा हो चुका है भाई, एक दफा हो चुका है ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब खर्चे में शामिल, कभी आज तक प्रॉफिट की वर्किंग करते हुए खर्चे दोबारा माइनस किए हैं ऑटोमेटिकली माइनस हो गया थे, क्लियर है सारा? एक सेंटेंस लिखे इसका था छोटा सा यहाँ तक, या चले पहले फिगर सॉल्व करना फिर इसका स्टार्ट होगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बैठा है बात समझ आई है प्लीज, बाकी मैं एक सेंटेंस ज़्यादा लिखवाना चाह रहा हूँ शायद बाद में भूलना चाहते हैं, एक स्टार से कैसा लगा और सेंटेंस से कैसा, अनएलोकेटेड इसके नीचे भी हमें जगह चाहिए, इधर तीन लाइनें रखने हो, अनएलोकेटेड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस will be deducted from segment profits to get entities from. तो सेल भी तो माइनस होनी चाहिए, इस प्रॉफिट से उस प्रॉफिट से करते हुए आपस की सेल भी तो माइनस होनी चाहिए, आपस की सेल या आपस का प्रॉफिट, प्रॉफिट सेल में से सेल माइनस होगी भी लेकिन आपस का प्रॉफिट प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए, वो हो गया ये फाइनल है प्लीज, फाइनल आंसर था 1065.6, एनी कंफ्यूजन फाइनल चले आगे, फाइनली कंसीडरेशन होनी है एसेट्स और लायबिलिटीज, लेकिन अभी ये सिंपल है शायद, सेगमेंट एसेट्स ये करेंगे जरा खुद से रिकंसाइल, ये करें जरा कैसे बननी चाहिए, क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ सेकंड डिस्क्लोजर जो भी इसके ऊपर जो डिस्क्लोजर बना था वो देखें, फर्स्ट डिस्क्लोजर इसके ऊपर और क्वेश्चन की फिगर्स चाहिए होंगी आपको लास्ट पैराग्राफ अपने हाथ से लिखने रखे, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना जरा फाइनल आंसर भेजें टोटल, तो एक आध बेटा भेज दे सबकी तरफ से हो जाएगा, सेगमेंट एसेट्स आर
रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स आर वन टू वन थ्री, आपने इसका ब्रेकअप लिखना है, ये भूल जानी फिगर ये कैसे आई है, 637 प्लस 444 प्लस 132 242 एनी इंटर सेगमेंट एसेट एनी अनएलोकेटेड एसेट माइनस कर दें क्यों क्या एंटिटी एज अ होल में वो एसेट्स आ रहे होंगे लेकिन कहां नहीं आ रहे तो कहां से कहां तक पहुंचने के लिए आपने प्लस कर दिया सेगमेंट के एसेट से आपने टोटल तक पहुंचने के लिए प्लस कर दिया क्लियर है फाइनल लायबिलिटीज करें फाइनल शुक्र है मौला जान छोटी है डबल वन टू फोर अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज एट 27 स्टूडेंट्स आपके आंसर चाहिए जाने दे गुस्सा यार कोई एक फिगर तो सही बता दो यार सेगमेंट लाइबिलिटीज डबल फोर टू अच्छा वर्किंग करो डबल फोर टू 355 प्लस 98 227 नहीं सिर्फ 27 डबल वन टू फोर ये मिस्टर मोहसिन 1284 कैसे आया 87 1287 अगर पहले 150 जमा हुआ तो अब क्यों नहीं ठीक है सर तो ये सर एक मासूम सी रिकंसिलिएशन है इसको किससे रिकंसाइल किया सेगमेंट की जो फिगर्स है पेज नंबर 292 निकल पहली बुक ले लें यार मेरे भाई अब इसमें नहीं है जो मैंने कहा ये तैयब ये ऑनलाइन स्टोर से था ना इधर एक दो दिन के लिए चीजें चाहिए तो एक अगला कप्पे भी चेक करना ये जो नहीं है इसके बाद टेस्ट क्वेश्चंस सही पर सेट है इसके पॉन बाजी भी चेक करेंगे जिनके पास बुक है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े पेज नंबर 292 स्टूडेंट्स के साथ अभी एक मिनट में खोलता हूँ नहीं बेटा सेगमेंट लाइबिलिटी सब बस रिकंसिलिएशन फैशन एंड स्टाइल टेक्सटाइल लिमिटेड अब आपके पास अगर अभी स्पेज पे नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट जरा
बोर्ड पे देखिएगा आपको। नंबर वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव विल बी क्लासिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ एफएसटी लिमिटेड। शो हाउ द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड द नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2000। तो कोई सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना और रिपोर्टेबल सेगमेंट और रिकंसिलिएशन डिस्क्लोजर में बनाना, ठीक है? फर्स्ट लाइन सर, फैशन एंड स्टाइल टेक्सटाइल लिमिटेड इज पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड रिनाउंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द कंपनी इज फाइव सेगमेंट्स ईच हैविंग इट्स ओन रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटीज। द डिटेल ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2016 आर एज फॉलोस। बिजनेस सेगमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, स्पिनिंग वीविंग डाइंग होम टेक्सटाइल गारमेंट्स, रेवेन्यूज दिए हुए, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एसेट्स लायबिलिटीज है, उसी तरह का डाटा है। बट सर इसका सिंपली शायद यही है कि एक दफा दोबारा रिवीजन हो दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आराम आराम से। वीविंग एंड डाइंग सेगमेंट रेवेन्यू इंक्लूड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज। इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज ऑफ बोथ द सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। रेवेन्यूज ऑफ वीविंग सेगमेंट इंक्लूड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ 30 million। इट सप्लाइज फैब्रिक्स टू डाइंग सेगमेंट एट अ मार्जिन ऑफ 25%। किसने किसको? तो वीविंग की सेल में से निकालेगा। रेवेन्यू ऑफ डाइंग सेगमेंट इंक्लूड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू 12 million एज इट प्रोवाइड्स डाइंग सर्विसेज टू गारमेंट्स एट अ मार्जिन ऑफ 20%। दोनों के से मार्जिन है ये 12 million कहां से निकालेंगे? डाइंग सेगमेंट के रेवेन्यू से निकाल के लेते हैं। Operating expenses of the company's head office amount to Rs. 80 million have not been allocated to any segment. इसका किसी reportable segment से लिंक नहीं है, ये disclosure का angle से चीज़ है। And similarly, assets and liabilities of 160 and 35 million respectively have not been reported in assets and liabilities of any segment. Question कल ही solve कर लेंगे। आप आज का दिन जरा, अब मैं homework नहीं दे रहा, वैसे तो मेरे को हो सकता है। नहीं, आज test को जरा time दे कल। पहले एक टेस्ट को जब टाइम दें, मैंने एक ही सवाल इसलिए दिया है कि चले आपका ज्यादा टाइम अभी ना लगे, कुछ दिन बाद दोबारा रखते हैं, तो कोई घंटा के निकाल लें किसी टाइम क्लास के बाद स्टार्ट कर लें। कौन से रूम से? नहीं, आपके वो आप जिस वक्त भी देना चाहें, क्लास के फॉरन बाद स्टार्ट है, जिसके पास जब टाइम हो आज को टाइम निकालें। 500 सवालों में से एक करें, तो कोई एक घंटा कर निकालें। आफ्टर द क्लास अगर टाइम है तो, या तो आपका अदरवाइज क्लासेस का स्केड्यूल होगा, तो जब आपका दिल करे आज शाम तक कोशिश करें अगर टाइम निकला, कल क्लास तक अगर हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी जरा शेयर कर दूंगा, ये नीचे रूम नंबर 2 3 में जो भी टेस्ट देना चाहे किसी वक्त अल्टरनेटिव टाइम पे, तो 204 रूम में जाके ये रूम में जाके उनसे कहे मैंने टेस्ट देना, आपको फिर रूम बता दें। फिलहाल वैसे 2 3 में स्टार्ट किया, ये नीचे जो रूम पसंद नहीं है लेकिन करना जरूरी है सर। अल्लाह शुक्रिया। अब तो पुरानी किताबें लेके फिर रहा है यार, कर दे जो अनवाइंडिंग करनी है।